हम सब उस पहाड़ी से नीचे गिरे और मैं एक पेड़ की जड़ से लटक गया। प्लीज बचाओ मुझे। रॉन पकड़े रहना। रॉन डैड प्लीज बचाओ मुझे। हाथ छूट रहा है। नहीं नहीं रॉन बस थोड़ी हिम्मत और करो बेटा। डैडी हाथ फिसल रहा है। डैडी मुझे डर लग रहा है। बचाओ कोई हमारी मदद करो। मैं कर सकता हूँ। चले जाओ। अगर मैंने इसकी जान बचाई तो ये मेरा हो जाएगा। कभी नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। हाथ छूट रहा है। रॉन सब ठीक हो जाएगा बेटा। डैड प्लीज। नहीं। देखो देखो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरा बेटा लौटा दो। तुम इसे तभी मिल सकोगे जब ये 20 साल का हो जाएगा। अब ये मेरा है। और आज उसका 20वां जन्मदिन है। सर हम उससे नहीं लड़ेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें मरने छोड़ दिया था। उन्हें परवाह ही नहीं थी। वो तो मैं था डायबॉलिको जिसने उस रात तुम्हें बचाया था। तुम्हें याद है ना? बोलो। हाँ सब याद है डायबॉलिको। उन्हें अपनी बेटी से प्यार था तुमसे नहीं। तुम्हें तो उन्होंने बेकार चीज की तरह फेंक दिया था और इतने सालों से तुम ही हो जो सजा भुगत रहे हो। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। सब्र से काम लो मेरे योद्धा। तुम्हें अपने पिता को बर्बाद करने का मौका मिलेगा। बहुत जल्द मिलेगा। बीस साल से मैं उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था पर अब सोचता हूं वो ना लौटता तो बेहतर होता। आप मुझे बता सकते थे। मैं शर्मिंदा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। पर आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। हाँ। मैं जानता हूं पर फिर भी मैं अक्सर यही सोचता हूं। आपने बिल्कुल ठीक किया डैडी।